क्या हो अगर आप हो एक करप्टेड सोल और आपको फाइट करनी पड़े उन गोड से जो रहते हैं हेवन में, जिन्होंने अपने सकते हुए गलत फायदा उठाकर सर्वाइवल्स के नाक में दम करके रख दिया, जो सर्वाइव करने के लिए निकले थे माइनक्राफ्ट की सुनहरी वादियों में जहां पर चारों तरफ शांति ही शांति थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। लॉजिकली देखा जाए तो माइनक्राफ्ट का जो गोड है वो है हीरोब्राइन और एंटिटी, क्योंकि ये दोनों ही है जो माइनक्राफ्ट को अच्छे तरीके से बैलेंस करके रखते हैं। लेकिन जो एंटिटी और हीरोब्राइन है वो है डार्क वर्ल्ड के गोड, तो इसीलिए हमारे वर्ल्ड में भी कुछ गोड होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पावर का ज्यादा ही गलत फायदा उठा दिया और सिविलियंस को परेशान करना शुरू कर दिया, उनके विलेज डिस्ट्रॉय कर दिए। एक बार की फाइट में मैं बच गया लेकिन मेरा विलेज डिस्ट्रॉय हो गया, तो मेरे को हीरोब्राइन और एंटिटी ने बचा लिया और अपने साथ ले गए नेदर में। वहां पे उन्होंने मुझे कुछ डार्क मैजिक सिखाया जिससे कि मैं अपनी हेल्प कर सकूं और अपने विलेजर्स की भी। अब मैं पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक में घुस चुका था, मेरा पूरा बॉडी करप्ट हो चुका था, यानी मैं भी एक एंटिटी बन चुका था, एक सोल। गॉड्स को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो मेरे को उठा के ले गए हेवन में। मेरे को प्यूरीफाई करने के लिए उन्होंने मेरी सारी शक्तियां छीन ली, तो अब मुझे गॉड से फाइट करनी है, हेवन से एस्केप करना है, साथ में अपने वर्ल्ड और नेदर को भी बचाना है। क्या मैं इसमें सक्सेस हो पाऊंगा, चलिए देखते हैं। तो भाई अब मुझे यहाँ से निकलना है, और यहाँ से निकलने में एक विलेजर मेरी मदद करने वाला है, तो सबसे पहले तो मुझे उसी से ही जाके मिलना होगा। विलेजर को ढूंढने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि वो मेरे को बताई गई लोकेशन पर ही मिल गया, और अब मुझे इससे बात करनी होगी। तो इसने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ गेयर्स वगैरह एक चेस्ट में रखे, पहले जाके वो ले लो, तुम्हें फाइट में काम आएंगे। तो वो भाई मैंने बिना सोचे समझे जाके उठा लिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था भी नहीं। तो मैंने उससे बात की विलेजर से, तो उसने मुझे बताया हमारे भी परिवार के लोग मरे हैं, सबका बदला लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने सब सेटअप कर दिया है। मैं विलेजर से बात कर ही रहा था कि अचानक हेवन के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने मुझ पे अटैक कर दिया। अब उनको एक एक करके भाई मुझे मारना था क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी गार्ड है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे मुझे वो रोकने की कोशिश करेंगे स्केप करने से, लेकिन मुझे यहाँ पे किसी भी हालत में स्केप करना है, तो भाई मेरे सामने मुझे तो नहीं लगता कोई टिकने वाला है। भाई विलेजर्स मेरी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, तो उसने कहीं कहीं रस्ते में मेरे लिए कुछ हिडन चेस्ट रखी हुई है जो मुझे उठानी होंगी, और वहां पे कुछ वेपन्स वगैरह मिलेंगे, उनका यूज करना होगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे एक और सिक्योरिटी गार्ड मिला, मैंने सोचा चलो इससे बात करके देखता हूँ, जिसका नाम किंग ज़ोग था। इस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में मैंने सुना था, इसने मुझ पे अटैक नहीं किया, बस इसने मुझे वार्न कर दिया कि यहाँ से भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तो भाई मैं कहाँ अब इसकी बातें सुनने वाला था। हाँ इसने मुझे ये जरूर बोला था कि आगे तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा मिलने वाला है, उससे सावधान रहना, और थोड़े बहुत बातें बताई इसने मुझे आगे के लिए जो मुझे हेल्प कर सकती थी। मैं सारे ही सिक्योरिटी गार्ड को एक एक करके मारता जा रहा था, कई बार मैं खुद भी मरते मरते बचा। हाँ ये हेवन था तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लाइफ थी, अगर मैं मर जाऊँ तो यहाँ पे वापस आ सकता हूँ, लेकिन एक चीज और थी, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो डेफिनेटली ये सबको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मुझे बेडरॉक प्रिजन में कैद कर देंगे। तो मुझे मरना नहीं होगा यहाँ पे, अपने आप को बचा के रखना होगा। काफी आगे तक मैं आ गया था, कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो ऐसे थे उनको मारने में मुझे बहुत मजा आया। अब मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आर्मर मिल गया था जो कि बहुत पावरफुल भी था। इस आर्मर का नाम तो मैंने पहली बार सुना था, और इसके साथ मुझे एक अजीब सी वॉन्ड भी मिली। पुराने आर्मर को इस चेस्ट में रख दिया मैंने क्योंकि अब उसका काम भी नहीं, और वो काफी ज्यादा ब्रेक हो चुका है। तो अब मुझे आगे जाना था, अब मुझे नहीं पता था भाई आगे क्या मिलने वाला है मुझे, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता यहाँ पे कितने ज्यादा पड़ाव होने वाले हैं, कितने लेवल होने वाले हैं। बस ये था कि जब भी मैं पार्कौर करता था ना तो मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता था क्योंकि मेरे को इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो भाई यहाँ पे मैं जैसे तैसे बसता हुआ गया, और मुझे एक छोटा विलेजर मिला। भैया जी हम सबको बचा लेना, मेरे बड़े भाई ने सेटअप करके रखा है सब कुछ, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। तो भाई यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे गार्ड मिले जो कि ब्लेज फेंक रहे थे, मतलब जैसे ब्लेज होता है ना नेदर में, कुछ इसी तरह से वो मुझे मारना चाह रहे थे। अच्छी बात ये थी कि मेरे को जो लास्ट चेस्ट मिला था उसके अंदर फायर रेसिस्टेंस का पोशन था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे इनसे बच पा रहा था, और भाई इनको डिफीट कर पा रहा था, वरना तो मैं बचता ही नहीं। मतलब जिस विलेजर ने हमारी मदद करी थी उसको पता था कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। तो यार ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि हमें यहाँ पे एक हेल्पर मिल गया, वरना मैं यहाँ से कभी भी स्केप नहीं कर पाऊंगा। तो भाई यहाँ पे और भी फायर पोशन है, क्या पता अब इनका आगे जाके काम पड़े, और कुछ हीलिंग पोशन भी थे। तो भाई मैंने सबके सब उठा के अपने इन्वेंटरी में सेटअप कर लिए क्योंकि मुझे पता ये सब चेस्ट में मिला तो डेफिनेटली आगे भी कुछ इससे रिलेटेड ही होगा, तो वो मैंने ले लिए हैं।
अब मुझे यहाँ पे एक स्टोन क्वीन मिली जिनसे मैंने बात की। तुम यहाँ से भागना चाहते हो, मुझे पता है, पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। भाई वो देखने में बहुत ज्यादा डरावनी थी, अब मुझे नहीं पता मैं उसको हरा पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। और उसके हाथ में एक मैजिकल स्टाफ भी था, मुझे लगता है ये हेवन में कुछ खतरनाक ही चीज है भाई। और स्टोन क्वीन जैसा उसका नाम है, तो भाई मुझे पता नहीं मैं उसको हरा भी पाऊंगा कि नहीं हरा पाऊंगा। वैसे मुझे अपने विलेजर पे भाई पूरा भरोसा, क्योंकि अभी तक जो उसने मेरी मदद की है, काफी पावरफुल वेपन्स उसने मुझे दिए हैं, तो क्या पता उसके लिए भी कुछ स्पेशल हो। अब एक एक करके वो नेदर सोल्जर को मैं हराता जा रहा था भाई, जो ब्लेज की तरह पावर फेंक रहे थे। अब मैं आगे की तरफ निकलने लगा तो मेरे को अब एक और चेस्ट मिली। अब मुझे पता था भाई इसमें भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन इसमें कुछ पोशंस और एक शील्ड थी, तो वो मैंने रख ली भाई। और बाकी का सामान मैंने निकाल दिया अपनी इन्वेंटरी से, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। और इनसे फाइट करते करते भाई अचानक से वो आ गई, यानी कि रॉक क्वीन। तो भाई मुझे नहीं पता अब ये क्या पावर होने वाली है इसकी। नाम बड़े और दर्शन छोटे, भाई इतना इजीली मैंने हरा दिया उस स्टोन क्वीन को। शायद ये पोशन का भी हो सकता है इफेक्ट, क्योंकि यार मेरे को स्ट्रेंथ वगैरह के पोशन मिले तो उसने बहुत ज्यादा फायदा किया। अब आगे जाके मुझे एक क्रैब की सेना दिखी भाई। क्रैब आर्मी को तो मैं ऐसे मार रहा था भाई जैसे मतलब पता ही नहीं क्या हो, बहुत ज्यादा रैपिड फाइट कर रहा था मैं, क्योंकि ये जो मेरे पास स्पेयर है ना, इसका अटैक डैमेज बहुत ही ज्यादा स्पीड में था भाई। मैंने चेक नहीं किया था, बाद में चेक किया कि मैं इससे रैपिड फायर भी कर सकता हूँ। अब मुझे एक ऐसा आर्मर मिला जिसका नाम मैंने सुना था, यानी कि डाउ आर्मर, और एक स्पेयर भी मिला फोर्स ऑफ फेथ। इस आर्मर के बारे में मैंने इसलिए सुना था क्योंकि भाई स्वर्ग में आने के बाद मुझे काफी सारी चीजें यहाँ की पता चल गई थी, और अब मुझे लगता है कि मैं अपने आखिरी पड़ाव में हूँ, क्योंकि ये आर्मर यहाँ का सबसे पावरफुल आर्मर है। अब मेरा सामना था यहाँ के गॉड से। मैंने तुझे नर्क से निकाला और तुझे यहाँ पे अपने बच्चों की तरह रखा, सोचा था तेरा इलाज करूंगा, लेकिन तू यहाँ से भागना चाहता है, हमें धोखा देना चाहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता भाई मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं अपनी आखिरी सांस तक इससे फाइट करूंगा, और या तो मैं मरूंगा या यहाँ से एस्केप करूंगा। तो चलिए देखते क्या मैं इससे फाइट कर पाता हूँ और क्या मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। मैं अब भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, सुधर जाओ और वापस अपने कारागार में चले जाओ, तो मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ। बचाओ, बचाओ। तो मैंने यहाँ के सबसे बड़े गोड को तो मार दिया था, लेकिन एक और गोड अभी बचा हुआ था जिसने मेरे ओवर वर्ल्ड में पूरी तबाही मचा रखी है।
तो इन सबको मैं ढूंढ के एक एक करके मार दूंगा, लेकिन अभी पहले मुझे यहाँ से निकलना था। तो मैंने यहीं कहीं प्लैंक वुड से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, डायमंड ब्लॉक लगा लगा करके मैं नीचे उतरा, और नीचे जाने के बाद पता चला मुझे यहाँ पे पानी भी था भाई, मेरे सारे डायमंड के ब्लॉक वेस्ट हो गए। तो अब मुझे जाना था अपने ओवरवर्ल्ड में और ढूंढने थे अपने वो सामान सारे के सारे जिनसे मैं उस गोल्ड को हरा सकता हूँ, और मुझे अपनी शक्तियाँ भी वापस लेके आनी होगी। तो बहुत दिन ओवरवर्ल्ड में बिताने के बाद स्वागत है आपका। मैं धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियाँ कलेक्ट कर चुका था, मैंने अपनी काफी सारी स्वॉर्ड और आर्मर भी कलेक्ट किया। अभी मेरा एक वेपन ऐसा रहता है जिससे कि मैं गोड्स के साथ फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी जिस गोड से मेरा सामना होने वाला है वो अलग अलग तरीके के चीजों को समन करता है। तो भाई उससे पता नहीं मैं फाइट कर भी पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे उससे फाइट करनी है और अच्छे तरीके से उससे जीतना है और उसको हराना है, तो मुझे अपना वेपन ढूंढना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से, जो कि मुझे नेदर से मिला था, यानी कि हीरो ब्राइन से। मुझे एक विच का हाउस मिलता है रात को, अभी मेरे पास सोने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भाई मुझे लग रहा था कि मुझे इस विच को मारना पड़ेगा और यहीं पर रात गुजारनी पड़ेगी। तो भाई ये विच का हाउस अब मेरा है भाई, अभी मेरे को उससे जीतने के लिए कुछ भी शैतानी करना पड़े तो वो मैं करूंगा। इसकी चेस से मुझे बहुत अच्छा फ्रूट और कुछ हीलिंग पोशन वगैरह भी मिल गए, जो कि बहुत ही पावरफुल थे, क्योंकि एक मैजिशियन थी, एक जादूगरनी थी, तो इसके पास जादू का सामान बहुत सारा होता था। अब मैं निकल चुका था अपने वापस से सफर पर, क्योंकि मुझे अपना वो वेपन किसी भी हालत में ढूंढना था। सामने मुझे एक विलेज दिखा, क्योंकि भाई मुझे पता था कि जो गोड्स है वो विलेज पर ही हमला कर रहे हैं आजकल, उनको ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस विलेज में तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, ये बिल्कुल सुनसान पड़ा था, ऐसा लगा था कि इस गांव में कोई भी नहीं बचा है। फिर मुझे रात को एक विलेज दिख जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा अलग था। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सिविलाइजेशन है जो गोड बसाना चाहते हैं, यानी कि धरती पे हमारे विलेजर्स को मार के अपने विलेजर्स को बसाना चाहते हैं। तो भाई अब मुझे यहाँ पे ऊपर जाना था, बट ऊपर जाने से पहले नीचे मुझे कुछ अजीब चीजें दिखी। मतलब यहाँ पे बहुत सारी गायें थी जो कि मेरे बुल पे अटैक करने लगी। अब भाई इनको क्या पता ये बुल कौन सा है, ये नेदर का बुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये सारे के सारे गायें इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकेगी। तो भाई इनको मैंने एक एक करके मारना शुरू किया, क्योंकि ये मेरे पे अटैक करने थे, अब मुझे अपना सेल्फ डिफेंस तो करना ही था ना। मारने के बाद एक अजीब सा हॉर्न बजता है और मुझे पता चलता है कि इनका जो लीडर था, यानी कि ब्रोंज बुल, वो आ जाता है भाई, वो इनका लीडर था। मुझे नहीं पता था इनका कोई लीडर भी होता है, तो उसने मुझ पर अटैक करना शुरू किया, और भाई वो भी नेदर से ही था, मतलब ये भी एक नेदर का बुल है। और भाई इसने मेरे बुल को देखा आमने सामने, भाई वो आग फेंक रहा था मेरे बुल पे, लेकिन मेरे बुल पे ना आग का कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी चमड़ी बहुत मोटी है, और मेरे बुल ने इसको एक टक्कर में ही इसकी नाने याद दिला दी। सच में गाइस ये टिक नहीं पाया मेरे बुल के सामने। अब भाई मेरा बुल उड़ तो नहीं सकता, तो मैंने इसको नीचे ही छोड़ा, और भाई इसके सामने जो भी आता था ना ये उसको मार देता था भाई, मतलब बहुत एग्रेसिव बुल था ये। तो भाई अब मुझे जाना था इस विलेज पे, यानी कि ये फ्लोटिंग वाला विलेज, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा था भाई। इसके चारों तरफ लावा ही लावा गिर रहा था भाई, तो इसी से ही पता चलता है कि ये कितना ज्यादा ईविल होता जा रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए ना तो ईविल की दुनिया तो हमारी है नेदर की, और अब ये ओवरवर्ल्ड को भी ईविल करते जा रहे हैं। तो भाई ये हमें ही बचाना था यहाँ के विलेज से। मैंने इनसे पूछा भाई क्या आपने मेरा वेपन देखा है, तो उसने तो मना कर दिया। तो यहाँ पे भाई मुझे कुछ चेस्ट में आयरन वगैरह मिल गया जो मुझे इन फ्यूचर काम आ सकता है, मैंने रख लिया। तो मैं पहुंचा ऊपर की तरफ और ऊपर मुझे देखने को मिला भाई एक बहुत ही खतरनाक चीज। तो मैंने उसको आजाद कराने के लिए एक क्राफ्टिंग टेबल बनाई, और जो मुझे आयरन मिला था उससे मैंने एक पिकेक्स बनाई, और पिकेक्स बनाने के बाद मैंने ये जो जेल थी ना, यानी गोल्डन बार जेल, ये इससे ब्रेक कर दिया और उसको बाहर निकाला, और उससे कुछ पूछना चाहा तो उसका भाई अजीब सा ही जवाब था। पत्थर लौटा दो वरना मेरा श्राप लगेगा। भाई मैंने चारों तरफ नजर घुमा के देखी, यहाँ पे श्राप जैसा कुछ भी नहीं था। तो भाई मैंने इस अजीब से ढांचे को यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये इस वाले पत्थर की बात कर रहा था, यानी कि वो शील्ड। तो वो शील्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, आई थिंक इसका शील्ड किसी ने चुरा लिया होगा। फिलहाल तो वो डेड था, एक तरह से डेड मम्मी था, जो कि भाई अजीब सा ही कुछ बोले जा रहा था। चलो छोड़ो। तो भाई अभी तक मुझे मेरा वेपन नहीं मिला था, लेकिन घूमते फिरते अचानक मैंने देखा एक पेडेस्टल में कुछ चीज रखी हुई थी। तो भाई यही तो वो वेपन है मेरा जिससे मैं गोड्स के साथ फाइट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली गाइस अब वो मुझे मिल चुका था। तो अब मुझे एक पोर्टल ढूंढना है जो लेके जाएगा मुझे नेदर में। काफी समय तक ढूंढने के बाद फाइनली मेरे को एक अल्टर मिला। तो यहाँ पे एक
कोरोंडम गार्डियन था जिससे मुझे फाइट करनी थी। पता नहीं भैया क्या नाम है, मैं जस्ट उसको उड़ते उड़ते देख रहा था भाई, तो वो पता नहीं क्या हुआ, एक ब्लास्ट हुआ और वो भाई एक्टिव हो गया। मतलब वो रोबोट जैसा दिख रहा था भाई, और जैसा वो दिखने में था उतना ही वो खतरनाक भी था भाई। वो क्या हिट मार रहा था भाई, ऑलमोस्ट 5 से 6 हार्ट का डैमेज दे रहा था एक बार में। और भाई हमारी दुनिया पता नहीं क्या करप्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हर एक चीज मुझे मारने के लिए आ रही थी जैसे मेरी दुश्मन हो। यही सब चीज तो मेरे को चेंज करनी है यहाँ पे। अब मुझे लग रहा था कि मैं तो उससे फाइट नहीं ले सकता, तो मैं चला गया अपने सांड के पास और उसको लेकर के आया। भाई इसके मुकाबले का ही कुछ होना चाहिए ना तगड़ा सांड। फाइनली भाई मेरे सांड ने उसको इतने, भाई मैं क्या मरते मरते बचा हूँ अभी, वो रोबोट मरते मरते भी पता नहीं क्या छोड़ गया था अजीब सी उड़ती हुई चीज। तो भाई मेरे सांड ने उसको इजीली डिफीट कर दिया। हालांकि जो मेरा बुलो उसकी हालत भी खराब हो गई थी, लेकिन वो अपना हेल्थ को रिजनरेट कर लेता है भाई। और अब मैं आ चुका था नैदर में, यानी कि ओवरवर्ल्ड में तो मुझे वो गोड नहीं मिले, लेकिन नैदर में मुझे वो मिल गए। और उस अल्टर की मदद से भाई मैं यहाँ पे आ पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू नेदर पोर्टल, क्योंकि नेदर पोर्टल आम इंसानों के लिए है, हम जैसे सोल के लिए नहीं। तो भाई अब मुझे वो गोल्ड मिल चुका था, अब मेरी उससे फाइट होने वाली थी। तो मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पे इसको उड़ते उड़ते मार सकता हूँ, क्योंकि ये जिस जगह पे है ना अब ये फंस चुका है, क्योंकि मैं नेदर का राजा हूँ भाई। इसकी दुनिया में मैं कमजोर था, लेकिन मेरी दुनिया में ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मेरे सामने टिक पाएगा। तो देखते हैं कितनी देर तक ये मेरे सामने टिकता है। अचानक पता नहीं इसने क्या हुआ, ये फाइट करते करते इसने मेरे को स्टन कर दिया भाई, और मैं हिल भी नहीं पा रहा था, और ये मुझे इजीली मार पा रहा था। पता नहीं मैं कैसे नहीं हिल पा रहा था, तो मैंने सोचा भाई उड़ लेता हूँ, उड़ने के बाद मैं बच पाया। क्योंकि इस वर्ल्ड में क्या है कि मेरे पास बहुत सारी काली शक्तियाँ तो हैं, पावर तो है, लेकिन लाइफ सिर्फ मेरे पास एक ही है। अगर मैं मरा तो फिर मैं इंसान बन जाऊंगा और मैं फिर इससे फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। अचानक इसने फ्रोस्ट मैग्मा को स्पोन कर दिया और अपनी हेल्थ को रिजनरेट करने लग गया। तो अब मुझे इस पहले फ्रोस्ट मैग्मा को मारना था और उसके बाद फिर मैं गोड से फाइट करूंगा, क्योंकि भाई वो स्टन कर देता है और फिर मैं उससे फाइट नहीं ले पाऊंगा। ये दोनों मिलकर मुझे मार सकते हैं और इंसान बना सकते हैं। तो अब मुझे फ्रोस्ट मैग्मा को मारना है, लेकिन अचानक फ्रोस्ट मैग्मा ने पता नहीं क्या ही स्पोन कर दिया जो मुझे यहाँ पे स्टन कर रहा था और लावा में गिराना चाहता था, मतलब मारना चाहता था। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरे को फायर रेसिस्टेंस है, मतलब ये मेरी दुनिया है, यहाँ पे मेरा चलता है, फायर से मुझे कुछ नहीं होने वाला भाई। और फ्रोस्ट मैग्मा को बेचारे हमारे पिगलेंस ने ही मार दिया, क्योंकि पिगलेंस को बुरा लग रहा था कि भाई ये मुझे मार रहे हैं, क्योंकि ये मेरे ही फ्रेंड थे भाई। अब मेरे इलाके में मेरे को ही कोई मारे तो इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने भाई फ्रोस्ट मैग्मा को धो दिया। और अब मुझे गोड को निपटाना था, तो मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि ये हेल्थ को रिजनरेट करता है, रैपिड फायर किया इसके ऊपर और इसको दुरुस्त कर दिया भाई। बहुत ईजी डिफीट था। और अब हमारा नेदर और ओवरवर्ल्ड आजाद है इन फालतू के गोड से, जो कि हमारे वर्ल्ड पे कब्जा करना चाहते थे, अपनी ही एक अलग दुनिया बसाना चाहते थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और यहाँ तक आप लोगों ने देखी है, तो आपका लाइक करना बनता है भाई, ताकि मेरी मेहनत को थोड़ा एप्रिशिएशन मिले। और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे मोड पैक आप खेलना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि डिस्कॉर्ड का लिंक, और वहाँ पे हमारे सारे मोड पैक मिलेंगे आपको। जाओ डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, और हमारे डिस्कॉर्ड पे भाई गिव अवे भी चल रहा है, मतलब जो भी जीतता है ना, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है चैट में, उसको हम मोबाइल डाटा गिफ्ट करते हैं 1 महीने का, यानी कि डेली 2 GB इंटरनेट फ्री। तो अगर आप लोगों को जीतना तो जाओ भाई डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन करो। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की, मैं इवॉल्व हो गया हूँ भाई, मेरे विंग्स ईविल से फायर ईविल में कन्वर्ट हो गए हैं।